दोस्तों आज हमारे पास निसान एक्सट्रेल गाड़ी है। कस्टमर का कंप्लेंट है कि जाने के टाइम इंजन का लाइट ऑन हो गया और गाड़ी रेस भी नहीं ले रहा है, थ्रोटल भी कम नहीं कर रहा है और गाड़ी बिल्कुल जैसा रुक जाता है। तो इसका इंजन लाइट भी ऑन हो गया है, तो अभी इसको चेक करते हैं, डायग्नोज करते हैं और देखते हैं कि इसका अंदर क्या मसला है। ये निसान एक्सट्रेल है 2005, बिल्कुल रेस नहीं ले रहा है। तो ये ऑटो लैंड है, जाटोलैंड में कोई मॉडल नहीं चाहिए, बस खुद बहुत वो डिटेक्ट करते हैं। कोई भी निसान गाड़ी है, टोयोटा गाड़ी है, जो भी है। तो अभी रेट कोड देखते हैं। तो हमारे पास P1229 सेंसर पावर सर्किट, इसका मतलब है कहाँ पे जो जितने भी सेंसर लगे हैं, थ्रोटल बॉडी के TP सेंसर है, पेडल पोजीशन सेंसर है, इसका जो मेन रेफरेंस वोल्टेज है वो काहे पे शॉर्ट है। तो ये काहे पे शॉर्ट है, तो अभी देखते हैं कि इसका जो कॉमन फेलियर ये कहाँ पे शॉर्ट है। बिल्कुल अभी फुल रेस दबाया तो 2 के ऊपर नहीं जाता है, 2000 RPM के ऊपर नहीं जाता है और इंजन का लाइट भी ऑन है। तो कोड डिलीट करने के बाद भी कोड नहीं जाता। अभी डाटा चेक करते हैं TP सेंसर का। तो TP सेंसर का जो डाटा है, थ्रोटल बॉडी सेंसर का या पेडल पोजीशन सेंसर का, ये 0.78, ये बहुत कम है, शॉर्ट है। कहाँ पे उसका जो रेफरेंस वोल्टेज है 5 वोल्ट है, कहाँ पे शॉर्ट है। तो आज मैं बताऊंगा कि इसका जो कॉमन फेलियर है, सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं। इसका कॉमन फेलियर आता है पावर स्टेरिंग स्विच और निसान अल्टिमा, सबसे पहले उसको चेक करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर वही शॉर्ट होता है। उसका लोकेशन मैं बताता हूँ, इनटेक के नीचे जो पावर का हाई प्रेशर पाइप है इसके ऊपर लगा है। इनटेक के नीचे हाई प्रेशर पावर है उसके ऊपर लगा है। तो अब हम सबसे पहले उसको डिसकनेक्ट करते हैं और पोर्ट को इरेज करके चेक करते हैं। यहाँ पे नीचे आता है हाई प्रेशर, थोड़ा मुश्किल से हाथ पहुँचता है, कैमरा तो नामुमकिन है लेकिन नज़र आता है। तो अभी हम इसको डिसकनेक्ट करते हैं और कोड को इरेज करते हैं और चेक करते हैं। तो हमने इसको आखिरकार कनेक्टर निकाला बहुत मुश्किल से, गर्म भी था तो इसको निकाला। और ये जो स्विच है हाई प्रेशर साइड पावर स्टीयरिंग का, वहाँ उसके ऊपर लगा हुआ है, किसी का पावर स्टीयरिंग के अंदर ही आता है। अभी अभी पावर स्टीयरिंग का कोड आ रहा है, वो दूसरा कोड चला गया। तो पावर स्टीयरिंग का कोड तो इसलिए आ रहा है कि वायर डिसकनेक्ट है। तो अभी गाड़ी भी बिल्कुल सेट हो गया है, तो यही पावर स्टीयरिंग स्विच से पूरा गाड़ी का सिस्टम रुक गया था। उसके अंदर 3 वायर हैं, 5 वोल्ट रेफरेंस, ग्राउंड और सिग्नल वायर। ये किस लिए ये स्विच लगा होता है, जब आप स्टीयरिंग को राइट की तरफ घुमाते हैं तो कंप्यूटर उसको थोड़ा RPM ज़्यादा करता है क्योंकि गाड़ी के ऊपर लोड आता है। तो अभी ये
प्रेशर स्विच का, स्टीयरिंग प्रेशर स्विच का कोड आ रहा है, और बाकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल सेट हो गया है, रेस बिल्कुल बराबर ले रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।